शायद ये भूल रहे हैं कि जब लंका पार की गई थी तब भी पत्थरों पर श्री राम लिखा था। अब बात राजनाथ सिंह की, जो कि तेजस का दम देखने वाले हैं। राजनाथ सिंह 19 सितंबर को तेजस से उड़ान भरेंगे और ऐसा करने वाले वो देश के पहले रक्षा मंत्री होंगे। अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देखेंगे तेजस का दम। तेजस के साथ रक्षा मंत्री करेंगे हवा से बात। मेक इन इंडिया विमान से देंगे दुश्मनों को पैगाम। हिंदुस्तान की शान तेजस विमान। हिंदुस्तान के स्वदेशी विमान तेजस का दम अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद उड़ाकर देखेंगे। 19 सितंबर को राजनाथ सिंह बेंगलुरु में तेजस पर सवार होकर हवा से बातें करेंगे। तेजस में रक्षा मंत्री की ये उड़ान उस वक्त होने जा रही है जब HAL को देश में बनाए जाने वाले 83 तेजस के लिए 45,000 करोड़ रुपए का बजट मिलने जा रहा है। राजनाथ सिंह देश के पहले रक्षा मंत्री होंगे जो तेजस जैसे स्वदेशी विमान से उड़ान भरेंगे। हाल ही में लड़ाकू विमान तेजस की अरेस्ट लैंडिंग कराई गई जो सफल रही। ये गोवा में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की देखरेख में हुआ, जहां तेजस की डिजाइनिंग की गई थी। दुनिया भी तेजस का लोहा मान चुकी है। सिंगापुर के रक्षा मंत्री नग इन हेन ने पिछले साल तेजस से उड़ान भरी थी। भारत और सिंगापुर के साझा सैनिक अभ्यास के दौरान हिंग इन ने तेजस का दम देखा था। वायुसेना के कई एयर शो में तेजस अपना जलवा बिखेर चुका है। इसी साल फरवरी में तेजस आधिकारिक तौर पर वायुसेना में शामिल हुआ था। बेंगलुरु में हुए एयर शो में सेना प्रमुख विपिन रावत ने तेजस पर सवार होकर उड़ान भरी थी। तेजस हल्का लड़ाकू विमान है जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने तैयार किया है। एक तेजस को बनाने में लगभग 300 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। तेजस मल्टी रोल विमान है और इसकी तकनीक किसी वीडियो गेम की तरह है, जिससे इसको उड़ाना आसान है। ये 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। इस साल के इंतजार के बाद तैयार हुआ तेजस पाकिस्तान और चीन के साझा प्रोजेक्ट थंडर को फीका कर देता है। इससे पहले निर्मला सीतारमण ने पिछली सरकार में रक्षा मंत्री होने के दौरान सुखोई से उड़ान भरी थी। मोदी सरकार लगातार स्वदेशी पर जोर दे रही है। तेजस फाइटर जेट के भारतीयकरण का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। यही वजह है कि दुनिया के कई देशों ने तेजस खरीदने की इच्छा भी जताई है। कश्मीर पर मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान लगातार युद्ध की गीदड़ भभकी दे रहा है। ऐसे में देश के रक्षा मंत्री का स्वदेशी विमान से उड़ान भरना हिंदुस्तान पर बुरी नजर रखने वालों के लिए सख्त संदेश है। कुछ दिन पहले ही अभिनंदन ने एयर चीफ मार्शल बाजवा के साथ MiG-21 से उड़ान भरी थी। करीब 6 महीने बाद अभिनंदन ने इस उड़ान से वापसी की और दुनिया को भारतीय जांबाजों की ताकत का एहसास कराया। अब बारी तेजस की है जो खुद रक्षा मंत्री को लेकर आसमान से बातें करने वाला है। मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक। प्रधानमंत्री मोदी का आज 69वां जन्मदिन है। इस मौके पर वे अपने गृह राज्य गुजरात पहुंचे। पहले तो उन्होंने सुबह सुबह नर्मदा नदी की पूजा की, फिर उन्होंने केवड़िया के गुरुदेश्वर मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। आखिर में अपनी मां से आशीर्वाद लेने के लिए गांधीनगर पहुंच गए। तीनों तस्वीरें आपके सामने हैं, नर्मदा को नमन, पूजा और मां का आशीर्वाद। मां से बात, मां का साथ। 69वां जन्मदिन था तो बेटा दिल्ली से गांधीनगर तक चला आया अपनी मां से मिलने। केवड़िया से सीधे प्रधानमंत्री मोदी गांधीनगर अपने घर पहुंचे। हर बार की तरह इस बार भी एक मां का वही इंतजार था। आखिरकार वो घड़ी आ ही। पीएम मोदी सीधे मां हीराबा से मिलने पहुंचे। घर के अंदर जाते ही मां की आंखों में मानो चमक सी आ गई। बेटे का इंतजार खत्म हुआ। मोदी भी मां को देखते ही, मां के लिए इससे बड़े गर्व की बात और क्या हो सकती है कि देश की बागडोर संभालने वाला उनका लाल उनके पास आया है। मां हीराबा के पास पहुंचते ही मोदी उनके साथ सोफे पर बैठ गए। दोनों में बातें शुरू हुई। हीराबा भी अपने बेटे की बातों को बड़े ध्यान से सुनती रही। इस दौरान उन्होंने मोदी को शगुन भी दिया, जिसे प्रधानमंत्री ने प्यार से सहेजते हुए रख लिया। बेटे के जन्मदिन पर मां ने खूब तैयारी की थी। उनके लिए अपने हाथों से खाना बनाया था, थाली सजाई थी, दाल रोटी सब्जियां और गाजर खीरे का सलाद, सब कुछ हीराबा ने मोदी के लिए तैयार किया था। मौका खास था तो मोदी ने भी माँ के साथ बैठकर खाते। बरसों में मोदी ने माँ से मिलने का कोई मौका नहीं छोड़ा। बर्थडे पर मोदी जब भी अपनी माँ से मिले, प्यारी माँ ने अपने बेटे को आशीर्वाद। ऐसा विचार नहीं आया। अच्छा।
और सामान्य लोगों के मन में बात गले नहीं उतरती है। शायद जो बन जाते हैं सबके जीवन में ऐसा होगा। मैं नहीं मानता हूं कि यानी कोई एकदम फैमिली ही उसी प्रकार से बैकग्राउंड वाली हो और किसी के मन में इच्छा जगती हो तो बहुत स्वाभाविक है, वरना मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है उसमें तो अगर मुझे कहीं अच्छी सी नौकरी की भी मिल गई होती तो शायद मेरी माँ अड़ोस पड़ोस के लोगों को। उनके बारे में माँ से ज्यादा कौन बता सकता है। तभी तो 2014 में लोकसभा चुनाव से पहले ही हीरा बा ने बता दिया था कि मेरा बेटा राज करेगा। अंदर लवत्मा ही बोलियो तो एक पजन बनवानो आकी सस्तीनो राजा बनवानो। माँ हीरा बा की भविष्यवाणी 100% सच हुई। बेटा हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री है और पूरा हिंदुस्तान आज उसका जन्मदिन मना रहा है। केवड़िया से चित्रा त्रिपाठी और गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। पावन नर्मदा नदी के प्रति मोदी का लगाव काफी गहरा है, इस वजह से अपने जन्मदिन के मौके पर उन्होंने नर्मदा जाकर विधि विधान से पूजन किया और माँ नर्मदा से आशीर्वाद भी लिया। बेटे का माँ नर्मदा, उस बेटे का अर्पण है पवित्र पावनी नर्मदा। पंडितों के मंत्रोच्चार के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने माँ नर्मदा को प्रणाम कर अपने बर्थडे पर आशीर्वाद। नर्मदा के तट पर आते ही मोदी इन खूबसूरत वादियों में रम गए। एक एक पल को वो अपने दिल में सहेज लेना चाहते थे। तमाम लम्हों को समेटते हुए वो नर्मदा नदी के तट पर जा प्रधानमंत्री ने कल कल बहती धारा को नमन किया। पंडित मंत्रोच्चार करते रहे, लीन होकर पीएम मंत्रोच्चार के बीच मां नर्मदा को ध्यान लगाए रहे। पूजा के दौरान 100 पंडितों ने मंत्रोच्चार किया। मां नर्मदा का जल सिर्फ कच्छ ही नहीं, सौराष्ट्र नहीं, गुजरात के एक बड़े हिस्से के लिए पारस सिद्ध हो रहा है। नर्मदा का पानी सिर्फ पानी नहीं है, वो तो पारस है। पारस जो मिट्टी को स्पर्श करते ही मिट्टी को सोना बना देता है। पीएम मोदी के जन्मदिन पर यह अनूठा संयोग है कि नर्मदा डैम का पानी अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर है। फिलहाल डैम का जल स्तर 138.68 मीटर है। बांध की ऊंचाई बढ़ाए जाने के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब वो अपनी पूरी क्षमता से भर चुका है। प्रधानमंत्री मोदी भी इस अनूठे पल का गवाह बने। नर्मदा की पूजा अर्चना के बाद वो नर्मदा डैम के कंट्रोल रूम में पहुंचे। वहां उन्होंने डैम के विशाल रूप के भी दर्शन किए। लोग इस मौके पर सुरीले अंदाज में नर्मदा की तारीफ करते रहे। घनघोर जर चौयर मारू मान, ए मारू मन मोर बनी थन घाट करे, मन मोर बनी थन घाट करे, मन मोर बनी थन घाट करे। नर्मदा से पीएम मोदी का जुड़ाव नया नहीं है। बतौर गुजरात सीएम वो नर्मदा के विकास में तन मन धन से जुटे रहे। नर्मदा के प्रति अगाध श्रद्धा प्रधानमंत्री मोदी के दिल में अभी भी बरकरार है। केवड़िया से चित्रा त्रिपाठी और गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। केवड़िया के गुरुदेश्वर मंदिर में भी मोदी ने पूजा अर्चना की। इससे पहले मोदी सीएम पद पर रहते हुए भी जा चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार वो मंदिर गए और वहाँ प्रार्थना की। ये मोदी की आस्था है, ये अटूट विश्वास है, ये मोदी की भक्ति है, भक्ति की ही शक्ति है। ये मोदी को ईश्वर के प्रति अटूट आस्था है और इसी के खातिर वो भगवान की भक्ति में लीन है। ये मोदी अपने जन्मदिन के मौके पर अपने गृह राज्य गुजरात पहुँचे। कर्म पर विश्वास करने वाले मोदी आज धर्म मार्ग पर भी चले। तो उन्होंने नर्मदा को नमन किया, फिर वो चल पड़े नर्मदा नदी के किनारे बने गरुड़ेश्वर दत्त मंदिर। प्रधानमंत्री मोदी ने मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। उन्होंने फूल और नारियल चढ़ाया। मंत्रोच्चार के बीच पीएम ने माला पहनाकर आरती उतारी और आशीर्वाद लेकर रवाना हो गए। पूजा कराने वाले मंदिर के पुजारियों ने उनके लिए विशेष मंत्रोच्चार किया। हमने उनके लिए विशेष पूजा रखी थी क्योंकि उनका आयुष्य अच्छा रहे, उनका आरोग्य मिले। और इधर से दत्तमाला मंत्र करके है, जो भगवान का जो स्तोत्र है उसका हमने पाठ किया, जिसके उनको एक ऐसा कवच तैयार उनके लिए और उनके कार्य के अंदर कोई विघ्न ना आए, इसके लिए हमने अघोराष्ट का पाठ करके उनका आशीर्वाद दिए है। इधर दत्त भगवान के इस मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी की गहरी आस्था रही है। पुजारी बताते हैं कि मंदिर का इतिहास 100 साल से ज्यादा पुराना है। ये काफी ऐतिहासिक मंदिर है और आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे, यहाँ पे पूजा अर्चना की। काफी श्रद्धा रखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे और खास करके इस मंदिर के अंदर। पीएम मोदी की भक्ति किसी से भी छिपी नहीं है,
मोदी को शिव का अनन्य भक्त माना जाता है। गरुड़ेश्वर दत्त मंदिर भी शिव का ही धाम है। अक्सर प्रधानमंत्री शिव मंदिरों में जाकर आशीर्वाद लेते रहते हैं। केवड़िया से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। नर्मदा में प्रधानमंत्री मोदी ने जंगल सफारी का लुत्फ उठाया। उन्होंने रिवर राफ्टिंग देखी, कैक्टस पार्क गए, बटरफ्लाई पार्क भी घूमे। खुद मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के साथ वो मौजूद थे। नर्मदा ने बुलाया तो पीएम मोदी खींचे चले आए। मौका भी बेहद खास है। अपने जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री जब नर्मदा की धरती पर उतरे तो वो खुद को रोक नहीं पाए। रात तो वो बीती रात ही जा पहुंचे थे, लेकिन सवेरा होते ही बगैर देर किए प्रधानमंत्री मां नर्मदा के दर्शन के लिए चल पड़े। हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी और कुछ ही मिनटों में वो नर्मदा जा पहुंचे। नर्मदा पहुंचने पर खुद राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने उनका स्वागत। बाद उनका काफिला पवित्र नदी के तट पर पहुंचा। अब वो बेहद खूबसूरती से सजे पुल से होकर आगे बढ़े। उस वक्त कल कल बहती नदी में रिवर राफ्टिंग चल रही थी। कुछ पल पुल पर ठहर कर मोदी ने राफ्टिंग देखी, फिर जंगल सफारी के लिए निकले। खुद को प्रकृति के करीब मानने वाले प्रधानमंत्री कई मिनट तक घूमते रहे तो कैक्टस पार्क पहुंचे। नर्मदा के तट पर बने इस पार्क में पीएम पूरी तसल्ली से एक एक कैक्टस पर नजर दौड़ाते हुए आगे बढ़ते रहे। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।